Hi guys, this is Ehsan Khan and don't forget to like, share and subscribe to the Epic channel and press the bell icon. Hello and a very warm welcome to the 21st episode of the Epic show. So दोस्तों, आज के जो मेरे मेहमान हैं उनसे मेरा एक खास ताल्लुक है. ये काबू में नहीं आते, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं. ही इज़ ऑलवेज बिजी एंड बिजी एंड बिजी. कायदे आज़म का जो स्लोगन था काम काम काम, उसको बहुत सीरियस ले लिया था इन्होंने. बट ऑन अ लाइटर नोट, आई नो हिम फॉर मेनी ईयर्स और अल्हम्दुलिल्लाह आप टेलीविजन जब भी स्विच ऑन करेंगे तो या तो कोई पुराना या नया काम उनका ज़रूर चल रहा होगा. दो चीज़ें उन्होंने अभी रिसेंटली और की हैं. एक तो ही हैज़ रीडिफाइंड स्पेशल गेस्ट अपेयरेंसेज इन द रिसेंट ड्रामा अलिफ, जो कि एक सुपरहिट था, एंड अ नेगेटिव रोल जो कि आई थिंक हिस्ट्री में अब याद रहेगा पाकिस्तान में, उडारी में. नो फर्दर सरप्राइजेज, आई थिंक यू've गेस्ट इट, वेरी इमेंसली टैलेंटेड करिश्माटिक एंड माय फ्रेंड एहसन खान. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एहसन भाई. एहसन खान नहीं बोला मैंने कभी जिंदगी में यार. क्यों नहीं बोला? अच्छा वैसे तो बिकॉज वो हमारा एक रिलेशनशिप ऐसा है कि ही इज़ माई वाइफ्स ओल्ड बडी. और मेरा मेरा इनके साथ ये रिलेशनशिप भी है कि मैं इनकी शादी पे दूसरी साइड से डांस कर रहा और डांस भी किया बहुत. सो देन ही हैज़ दैट रिस्पेक्ट. हालांकि अदरवाइज इस फील्ड में तो हम एक दूसरे को कोई बिल्कुल. आज आप फाइनली आ गए. हाँ देख लें बस, आज उन्होंने मुझे पकड़ा ज़बरदस्ती सुबह से, क्योंकि मैं इन्हीं का कोई काम कर रहा था. इन्होंने कहा यहाँ से गुजरते गुजरते बस आ जाए यहाँ पे. बट एहसन भाई, हाउ आर यू? गुड गुड, नॉट टू बैड. कैसा जा रहा है ये पेंडेमिक में 2020? इट्स ओके. आई थिंक एक छोटा सा बहुत से लोगों को ब्रेक मिला है बहुत सी चीज़ों से, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग शुरू में बहुत घबरा भी गए, और नेचुरली बनता भी है क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल कुछ ऐसी हो रही है जो नॉर्मल से हट के आपको लगे. एहसन भाई, बड़ी अर्ली यंग एज में आपने शादी कर लिया. हाँ ये वैसे, हाँ ये आमतौर पर मेरी बीवी से पूछूं उसका कमाल है, उसने मुझे कन्विंस कर लिया. उसकी साइड की स्टोरी तो मुझे पता है. आपकी साइड बस देख ले. पर यू फिल्म आ रही है अभी? कोई दो फिल्में, एक तो यासिर की कर रहा हूँ, ओके चक्कर उसका नाम है, और एक और उसके साथ कर रहा हूँ. दो फिल्में होंगी. अभी तक आपका बेस्ट काम आपको क्या लगता है? मेरे लिए आई थिंक उडारी शुड बी द बेस्ट. बट मुझे ये लगता है कि बड़ा एक अजीब सी बात होगी कि मैं बोलूँगा कि बाकी कैरेक्टर्स उतने मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज आई फील दैट मैं तो आई ऑनेस्टली मेरी एक नेचर है कि मैं अगर इतना बहुत छोटा काम भी इफ़ आई से येस टू अ वर्क देन आई गिव माई 100% टू इट. इस टाइम पे एक नया माइलस्टोन आपने अचीव किया जिसके बाद आई थिंक लॉट ऑफ पीपल रीच्ड यू, है ना? मतलब ब्रांड स्टार्टेड रीचिंग यू, एनजीओ स्टार्टेड रीचिंग यू, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप कुछ एक्टिवली, अभी मैंने एक दिन जियो में भी देखा आप एक जगह विजिट कर रहे थे, तो आप ब्रांड एम्बेसडर भी बने इस कॉज को लेकर चल रहे हैं. उनका गुडविल एम्बेसडर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, एंड नॉट ओनली दैट आई सपोर्ट सो मैनी स्कूल्स लाइक TCF के स्कूल, एंड देन और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं. JDC एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, फिर हॉस्पिटल जैसे इंडस हॉस्पिटल है, SIUT है, या शौकत खानम के लिए कभी कोई आ जाए. इन चीज़ों को आप दिल से इस तरह करते हैं कि आप समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि यार ये सेलिब्रिटीज़ को करना ही चाहिए. मैंने बिल्कुल कभी नहीं सोचा कि सेलिब्रिटी, मुझे लगता है हर इंसान का, हर इंसान होना चाहिए. आप सेलिब्रिटी अगर करता है तो वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है. और फिर शुरू में पहले ये होता था कि लोग, मैंने नोटिस ये भी किया कि लोग अपनी प्रोजेक्शन के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं, बट देन यू कांट जज एनीबडीज इंटेंशन. यू नो पीपल माइट बी डूइंग इट फ्रॉम द हार्ट, एंड देन मे बी समबडी इज़ फॉलोइंग वॉट यू आर डूइंग, एंड इफ दे आर डूइंग द सेम थिंग दैट यू आर यू नो लाइक प्रमोटिंग some cause or some social work, and if they're following you, it could be for whatever reason they're doing, but they वो एक अच्छा precedent आप set कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए. तो I think सबको, आम celebrities से क्यों, सबको करना चाहिए. ये चीज़ बग तो नहीं करती यार, मेरे से ये बाद में आया, इसके millions में चले गए followers मेरे काम को भी नहीं, मुझे बिल्कुल इस race में नहीं यार, पता नहीं. अब ज़हन में कभी check भी करते हैं, देखते हैं, बट मुझे ऑनेस्टली नहीं बग करता. ठीक है, यही एक वजह कि आई एम लेट बैक. अगर मुझे बग करता होता तो फिर तो मैं सबकी तरह लाइक स्पॉन्सर्स करा के और पुश करा के और पैसे लगा के करा. वुड यू अलाउ योर चिल्ड्रन टू बी ऑन टिकटॉक? आई डोंट माइंड, बट इफ इट्स लाइक कंट्रोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड एंड डिसेंट. आई मीन देखे यार, जब दुनिया में लाउड स्पीकर्स आए थे तब भी लोगों ने एतराज़ किया, जब टेलीविजन आया तब भी एतराज़ किया, जब रेडियो से शिफ्ट हुए तब भी एतराज़ किया. नेचुरल रेजिस्टेंस होती है टेक्नोलॉजी को. यू कैन नॉट, यू जस्ट कांट यू नो लाइक स्टॉप इट. तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप टिकटॉक पे एक डांसिंग वीडियो डालेंगे? पता नहीं, मैंने डांसिंग वाली तो अभी तक नहीं डाली, और फनी वीडियोज के साथ साथ अडेप्ट करते हैं अपने आपको. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे स्नैपचैट पे फिल्टर्स लगा रहे हो कान निकले में, वो आप करेंगे ऐसी चीज़? मैं खुद ही करूँगा उनके साथ, कि वो तस्वीर मेरी खींच के बना दें तो बना, मतलब खुद ही करेंगे ऐसी चीज़.
अच्छा आप लगाते हैं जब ये फिल्टर लगता है आपके ऊपर खूबसूरत लगने के लिए? नेचुरल ब्यूटी माशाल्लाह बहुत है खूबसूरत लगने के लिए, वो इतना घटिया फिल्टर है यार, उसे पता नहीं, वो एक फिल्टर आता है जिसमें सब लोग सफ़ेद और ये यहाँ से मुंह लाल और ये यार, वो इतना बकवास वो हर कोई मतलब उसमें अजीब लगता है, आदमी ने भी लिपस्टिक लगाई हुई है। पीके में गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही थी, फिल्टर लग गया सब, बिल्ली बना हुआ था अब ये क्या है यार। सो वो एक बहुत ही वर्ड किस्म की, बट एनी आई थिंक कुछ नेचुरल भी रहते हैं, लोगों को पहचान में मुश्किल होती है, असल में देख के लगता है ये वही है और डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, तो इसलिए आई थिंक नेचुरल बड़ा होना चाहिए। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज एपिक रैपिड फायर, थोड़ा सा लाइट मूड में लेके जाते हैं। एपिक मोमेंट इन लाइफ, एपिक मोमेंट, या इट कुड बी माय डॉटर, ऑफ कोर्स मेरे लिए भी वही है, और बेटियां बड़ी क्लोज होते हैं आई थिंक तमाम बच्चे। सो एपिक सेलिब्रिटी, कोई बंदा जो आपको लगता हो कि पूरी दुनिया में कोई भी सेलिब्रिटी, या अगर फेवरेट एक्टर बोलेंगे एंथनी हॉपकिंस, लाइक क्रेजी, आप उनकी फिल्में देखें तो आपको लगता है कि उस जैसा एक्टर दुनिया में कोई नहीं है। और एपिक सेलिब्रिटी दोस्त, मुझे हुमायूं ने बहुत, आपको पता है मैं ये कहना चाहता हूँ, हुमायूं सईद हैज़, आई हैव सीन हिम ग्रोइंग एंड आई फील दैट ही इज़ वन एक्टर जिसमें कभी मुझे इनसिक्योरिटी का भी एलिमेंट नज़र नहीं आया, और मैंने हुमायूं की प्रोडक्शन हाउस के बहुत अच्छे ड्रामे आज से 8 साल पहले भी किए, अभी भी मेरा एक मरासम एक ड्रामा है जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि हुमायूं भी इज, आई कैन नॉट फॉरगेट नेमिंग हिम। एंड ऑफ कोर्स यार, क्या यार, अच्छे दोस्त की बात पे फहद मुस्तफा, अच्छा फहद की एक बात बताऊँ, जब मेरा अच्छा काम देखता है फहद हमेशा मुझे मैसेज करता है। अच्छा, एपिक फिल्म, वो एक अंग्रेजी की मूवी है, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन, हैव यू सीन दैट फिल्म बेंजामिन? बट you have to watch that movie, done ho gaya. Epic singer and band, I think Vital Signs jaisa koi bhi nahi hai, kya baat hai, hai na, singer aajkal ke singers mein I think Aatif Aslam is, Aatif Aslam theek hai, Aasim Azhar is very good yaar hamare, aur bahut se epic dialogue, assalam alaikum madam taira, ye mera dialogue, assalam alaikum madam taira, one epic quote, okay not one but I have several, and if you've ever read this बिकॉज हम बहुत फिलोसफर्स को पूरी दुनिया में, आई रेड लॉट ऑफ बुक्स एंड आई डू रीड ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ, लेकिन अगर इफ़ यू एवर रेड इमाम अली की कोटेशन अगर आप कभी पढ़ें, और हमारा एक पेपर है जिसमें रोज़ उनकी कोटेशन ज़रूर आती है डॉन के पेपर में, और फिर आप उनकी नेजुल बलागा एक बुक निकाल लें, सो इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग दोज कोटेशन देन यू विल हैव अ फीलिंग के आपकी लाइफ चेंजिंग होती है, लाइफ चेंजिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि तुम्हें अपने नसीब से ज़्यादा और नसीब से पहले नहीं मिल सकता। सो इफ़ यू एंड आई एंड एवरीबडी स्टार्ट थिंकिंग कि ये सच है, तो आपकी सारी जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ डेस्परेशंस होती हैं वो ख़त्म होती है दुनिया में, यानी जो लोगों को एनजाइटी डेवलप होती है या डेस्परेशंस डेवलप होती है, उससे फिर वो दैट लीड्स ऑन टू डिफरेंट वेरियस वेयर्ड थिंग्स, सो इफ़ यू थिंक दैट यू गेट वॉट इज़ योर, सो इट्स आई थिंक दैट्स द बेस्ट कोटेशन आई एवर लर्न्ड। बर्थ प्लेस ज़ोडियक साइन, बर्थ प्लेस इज़ यूके एंड लिब्रा। लिब्रा फेवरेट फूड, एवरी काइंड ऑफ फूड, वो तो मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पकवा नजर आ रहा है कुछ भी अच्छा पकाओ, अच्छा मोहब्बत से बनाया हो, चाहे सुशी हो, ओह आई लव सुशी। ऑलराइट, फेवरेट सिटी इन वर्ल्ड, आई थिंक आई लव कराची, आई लव लाहौर, ठीक है, एंड आई लव लंदन, इन तीनों से मेरा एक स्पेशल एसोसिएशन है, मेरी बड़ी मोहब्बत है इन तीनों जगहों पर। फेवरेट गेम, वैसे मैं जो आजकल बहुत सालों से जो बहुत ज़्यादा पसंद है, हॉर्स राइडिंग, पोलो, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दैट, सो आई डू दैट अलॉट, और मुझे स्विमिंग मेरी बड़ी फेवरेट होती है एक ज़माने में, लेकिन चांस और मौका नहीं अब मिलता करने का। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा, लाइक वन, इंस्टाग्राम, इन तीनों में से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इमरान खान द कैप्टन और इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर? इमरान खान द कैप्टन ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक एज अ प्राइम मिनिस्टर भी, he's, देखो एक चीज़ जो लोगों को, आई वॉन्ट टू क्लियर दैट, जब आप किसी, आपको ये लगे कि somebody is working on something और उसकी intentions और नीयत जो है वो अच्छी हो, तो फिर बहुत सी मुश्किल आ सकती हैं। Have you met him? Yeah, yeah, yeah. ठीक है, बहुत सी मुश्किल आ सकती हैं, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है देखने में एज अ लेमैन कि एक आदमी नियत के साथ कुछ करना चाह रहा है, तो वो कोई भी हो यार, सही है, तो वो आपको लगता है कि जेन्युइन उसमें कुछ है करने का। तो क्या वो स्टोरी क्या थी, आप गुजर रहे थे, किसी ने रोका भाई फिल्म करोगे? हाँ कर लेता हूँ। अच्छा एक बात देखिए, ये जो एक्टिंग और ये चीज़ें होती है ना, ये आपके अंदर कुछ ना कुछ होता है तो आपका दिल करता है करने का, तो वो दिल तो सबका ही कर रहा होता है, किसी का सिंगर बनने का, किसी का एक्टर बनने का, किसी का। एक चीज़ थी कि माय फादर ऑलवेज हैड friend, he was friends with all the showbiz people, ठीक है, and like I've met everybody in my childhood, तो वो जो मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ बहुत दफ़ा कि
जब आप एक्टर्स, क्योंकि हमारे पुराने एक्टर्स बहुत यार डिग्निफाइड और डिसेंट एक्टर्स लाइक मोहम्मद अली साहब, नदीम बेग साहब, मुझे याद है कि माई डैड यूज टू मीट देम, एंड देन फ्रॉम टीवी फिरदौस जमाल साहब और दूसरे और बहुत से एक्टर्स जिनसे आबिद अली साहब, इन सब लोगों से बचपन में मैंने इनको देखा हुआ है. एंड देन फीमेल्स लाइक बाबरा एंड जेबा जी एंड लॉट ऑफ अदर जो डिग्निफाइड हमारी थी, तो उनको देख के बड़ा एक एक आप स्पेल बाउंड, यू फील गुड अबाउट व्हाट दे आर स्टिल स्टिल. सो फिर आपका बचपन में आई थिंक वो एक चलता है कि यार हमें भी ऐसे बनना है, तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है. मैं नूर साहब को जब पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम अभी 2 साल बाद मेरे पास आओ, और समझ नहीं आई तुम्हें बच्चे का रोल दूँ या हीरो का रोल दूँ. और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा यार, क्योंकि आप इन योर टीन्स ना, तो आपको लगता है कि आप बस बनने का चैंप हूँ. जिंदगी में वैसे इमोशनल है या लॉजिकल है या दोनों है? दोनों है. इमोशनली बहुत हूँ, आई एम वेरी वेरी इमोशनल, एंड विच इज़ आई थिंक इफ यूर, अगर आप जो जो किसी के लिए जब कुछ सोचते ना, तो उसके लिए फिर इमोशनल होना ज़रूरी है. आपको सॉफ्ट हार्टेड एंड लिटिल इमोशनल, सो ओनली देन यू कैन हैव work for causes and you stay active for all these things, you know, otherwise to nahi ho sakta fir. Aur aapka best co-star kaun hai? I think Mikal ke sath mujhe bada mazey ki rehti hai uske sath, kyunki he is a fun loving guy. Bilkul. And wo hum log ne ek play kiya, main Mikal aur Aisha Khan, mujhe abhi bhi yaad hai wo play. Mujhe khuda pe yakeen hai. Achha. Bada hit serial tha. So we three and momal shaikh the, hum charo ne usme कोई शुगल और मजा. अच्छा. मतलब वो एक एपिक किस्म का फन. ऐसे नहीं आप फॉलो करते कि अगर आपको लेट्स सपोज किसी फ्रेंड ने विश आती है निकाल ने फॉलो स्टार्ट कर दिए, तो आप समझते हैं कि यार मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा. बिल्कुल कर लूँगा यार, रिवायत में ऐसा करना क्यों नहीं. और वैसे भी वो अच्छे हैं, नाम ही इतने अच्छे लिया हमें दोनों. महविश मेरी तो फेवरेट है. महविश हाइट ऑफ डिप्लोमेसी है, कैसे लड़ाई हो सकती है आपकी? आप किसी को नाराज नहीं कर सकते. तो वन वर्ड और सेंटेंस दैट डिफाइंस यू द बेस्ट? आई डोंट नो, यू टेल मी मैन. नथिंग डिफाइंस मी द बेस्ट. कोई ऐसा वर्ड ही नहीं बना. अच्छा ये बताएं कि आर यू इनटू पॉलिटिक्स? नॉट रियली, बट आई जस्ट फील के जो बंदा सही काम कर रहा हो और जो सही करना चाहता हो. एवर वोटेड? आई डिड. यू डिड? या. सो आर यू सेटिस्फाइड विद द पॉलिटिशियंस एंड देयर बिहेवियर ऑन द मीडिया, किस तरह वो टॉक करते हैं? नॉट रियली. मुझे लगता है कि जो हमारे टॉक शोज हैं इनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेज होना चाहिए. जिस तरह हम हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत से ड्रामास को, उनकी कहानियों को, या बहुत से शोज़ को, या मॉर्निंग शोज़ को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसी तरह हम लोगों को थोड़ा सा हमारे जो पॉलिटिकल शोज़ हैं, जैसे मैं कुछ सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों का बहुत स्टैंडर्ड है. और बहुत दफ़ा आपको चैनल्स पे जो बेहंगम और बेहुदा लड़ाइयाँ दिखाई देती हैं, और आप देखते हैं कि लोग एक दूसरे को उठ के मारने लगे हैं या गालम गलोच पे आ जाते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट डन. इट्स वेरी बैड. सो गिवन अ चांस, आपको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, आपको एक चांस है कि यार एक चीज़ डिफरेंस ला सकते हैं, आप बताएंगे हम उसको अमेंडमेंट कर देंगे, वो क्या देंगे आप? आई थिंक एजुकेशन. एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी दुनिया बदल देती है. बिल्कुल सही. और हमारी तो एक तो दुनियावी तौर पर आप जितनी भी जो एजुकेटेड सोसाइटीज़ हैं उनको आप देखें, दे टोटली डिफरेंट. ठीक है. इट सीम्स यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड व्हेन यू विद देम. एंड देन अगर आप हमारे मजहबी लिहाज से देखें, तो हमारे मजहब में तो बार बार ताकीद है कि अगर आप कुछ इल्म हासिल करना चीन तक जाएं, या आप पैदाइश से लेके लाइक माँ की गोद से लेके लहद तक आप तालीम हासिल करें, और बेशुमार. सो देन व्हाई आर वी नॉट फोकसिंग? दैट्स सो गवर्नमेंट को कंपल्शन करनी चाहिए आप इस. ओहो, आई थिंक इसमें तो कोई लीनियंसी, इसमें तो एक मैसिव किस्म की कैंपेन होनी चाहिए कि हमारा तब्दील हो जाए सिस्टम पूरा, कि आपकी एजुकेशन की जो सिस्टम है वो पूरा बदल जाए और हर इंसान जो है पढ़ने के काबिल हो. अगला सेगमेंट है विच इज़ हाउ कैन यू मेक सोशल मीडिया बेटर प्लेस टू लिव? योर आंसर इन 45 सेकंड्स. आई जस्ट फील कि आप जो भी इंसान कोई लिखता है कहीं पे, कुछ भी कहता है, वो सिर्फ उसका अपना माइंडसेट बता रहा होता है या अपना फैमिली बैकग्राउंड दिखा रहा है. थोड़ा नाप तोल के बोला. सो थोड़ा सा आई थिंक वी शुड, बच्चे भी पढ़ते हैं कमेंट्स यार, आपके बच्चे भी फेसबुक पे या ट्विटर पे या अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं और वो खुल जाता है, और किड्स ऑल्सो लर्न दैट. सो वी हैव टू एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. दैट्स राइट. व्हाट अनॉयज यू द मोस्ट एंड हाउ डू यू डील विद इट? बहुत चीज़ें जो अनॉय करती हैं, लेकिन फिर आई थिंक सेट पे किसी ने बुला के आपको सुबह से नहीं,
हाँ ये एक अच्छी बात याद दिलाई है, वो तो क्रेजी है। मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं आप नहीं, ये नहीं, मुझे ये होता है कि क्योंकि बिकॉज मैं एम वेरी पंक्चुअल। एसन भाई इज वेरी पंक्चुअल मोस्ट ऑफ टाइम। एसन भाई इज वेरी पंक्चुअल, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि अगर मैं नहीं। एसन भाई ये कैसे है वैसे, 20 साल 30 साल? नहीं मुझे होता है आप काम कर रहे हैं, आप खत्म करें काम को यार, आगे बढ़े। मुझे लटकी हुई चीज बहुत बुरी लगती है। दिस इज द की टू सक्सेस, राइट? आई डोंट नो, इट कुड बी, अ लॉट ऑफ पीपल से दैट, बट आई डोंट नो यार। इफ यू वांट टू बी लाइक एसन भाई, लर्न पंक्चुअलिटी। मैं ऑनेस्टली आई एम सुपर इम्प्रेस्ड अगर 8:30 का फोन आ जाएगा। हाउ डू यू वांट टू बी, बट यू हैव टू, आई थिंक एज अ गुड ह्यूमन, ओके, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक अगर मुझे आप ये बोलें कि पूरी दुनिया में घूम के आपको क्या लगता है कि कौन सा इंसान जो याद रहे और उस तरह से आए, तो मैं कहूँगा ईदी साहब। मुझे, मैं ईदी साहब से ज़्यादा किसी बड़े सेलिब्रिटी की तरह का नहीं होना चाहूँगा, बट मैं ईदी साहब की तरह याद किया जाना चाहूँगा। जबरदस्त। इल्म, इश्क और अकल, इनमें से पहले आपके लिए क्या है, दूसरे तीसरे? अकल सबसे पहले, सबसे पहले अकल, इल्म नंबर टू। क्योंकि अकल भी इल्म के साथ ही आती है, या इल्म, अकल भी होगी तो आप इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद इश्क, अगर आप दुनियावी इश्क की बात करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्यार मोहब्बत। और अगर आप एक, वो कहते हैं ना इश्क हकीकी और इश्क उसकी बात करें, बड़ी फिलोसफिकल बात करें फाजी। थैंक यू एसन भाई, थैंक यू यार, आई होप यू हैड फन। या आपको, आप अच्छे होस्ट हो यार, मतलब लगा मैं बोल पे पीछे बैठ के आपको टिप्स दे सकता हूँ, मेरी जॉब ही लगवा दें। मुझे लगा कि आपके हाथ में स्क्रिप्ट होगा, आप उसको पढ़ पढ़ के करेंगे, बट आप तो बड़े नेचुरल टाइप निकल आए हैं। चले, ये थी एसन भाई की तारीफ। एसन भाई प्लीज़ आपने अपना वाला एपिक शो जरूर देखना है, इंशाल्लाह। ठीक है, सो दोस्तों, दिस वाज़ द 21st एपिसोड ऑफ द एपिक शो। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। कुछ हमने कोशिश की एसन भाई से ऐसे सवाल जो पहले उन्होंने उनसे नहीं किए गए और किसी और अंदाज में आज वो थे भी। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए और हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल द एपिक शो और हमारा चैनल थिंक एपिक। मगर उसके साथ साथ आप दो चीज़ें और कर सकते हैं, यू कैन कमेंट अच्छे से कमेंट्स, एंड यू कैन शेयर एंड प्रमोट आर कंटेंट आल्सो। सो कीप ऑन सपोर्टिंग, कीप ऑन सजेस्टिंग, नीचे लिखते रहें आप कौन से और लोग चाहेंगे सेलिब्रिटीज़, हम उनको इनवाइट करेंगे। वी विल रीच आउट टू देम, योर ओपिनियन, योर सजेशंस, योर फीडबैक रियली मीन्स अ लॉट टू अस। जाते जाते साइनिंग ऑफ, पाकिस्तान जिंदाबाद।